हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूं ओप्पो A3s के बारे में कि आप लोग किस टाइप से अपने ओप्पो A3s में आप लोग यहां पे जो फ़ोन चेंजर का यहां पे लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन आप लोग के फ़ोन में आज यहाँ पे न्यू न्यू फ़ोन देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू में तो पहले बता दें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ रेड की बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। बगल में बेल करना ना बोले, इंडिया रेडियो पर्सनल लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना बोले। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लेना अपने फ़ोन का। तो मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड, सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और नीचे फ़ोन का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो जैसे आप लोग ये फ़ोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी यार जो फोन टाइम पे कुछ कुछ फोन देखने को मिल जाए, डिफॉल्ट फोन आप लोग को देखने को मिल जाए। तो आप लोग करना क्या, आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन जो फोन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं हमारा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब आप लोग के यहाँ से जो है फ़ोन वाली फाइल डाउनलोड करना है, मतलब यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फर्स्ट वाला जो दिख रहा है 50 फोन वाला, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा और इसे ही यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा। क्यों, क्या होगा, क्योंकि यही आप लोग को ऐसी फ़ोन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोन देखने को मिल जाती है और ऑटोमेटिकली सेट होने वाली फ़ोन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड होने तक देता हूँ इसे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है फ़ोन, मैंने ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ और इंस्टॉल भी यहाँ पे कर लिया हूँ। ओके फ्रेंड, अब मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे बैक आना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा बैक आऊँगा, मैं यहाँ पे फिर से सेटिंग पे यहाँ पे चले जाऊँगा। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। अब आप लोग यहाँ पे जैसे पहले मेरी डिफ़ॉल्ट फ़ोन रही थी, अब आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी बहुत सारी फ़ोन, मतलब आप लोग 50 फ़ोन देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी बेहतरीन आप लोग के फ़ोन का यहाँ पे लुक्स को यहाँ पे बढ़ाने वाली। ओके फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं अप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली से अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आप लोगों को सिर्फ उसे इंस्टॉल यहाँ पे करना है। ओके फ्रेंड, तो जैसे आप लोग उसे करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पूरी फ़ोन देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग को फ़ोन पूरी चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे हिसाब से कर सकते हैं या डिफॉल्ट फोन पे आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे अपने ओप्पो A3s में आप लोग फोन चेंजर का यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करना दोस्तों आप लोग रेडी पसंद आएगी वीडियो, पसंद प्लीज़ लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो। जो वीडियो कमेंट करना बोले मैं उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।